एलसीएम ऑफ 1 to 1/8 बाई डिवीजन मेथड कैसे पता करें अभी हम सीखेंगे। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, जहां पर आपको खूब सारे वीडियो मिलेंगे। यहां पर बहुत आसान तरीके से समझने वाले। इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। देखो, हमने इनको इस प्रकार से एक साथ लिख देना है। उसके बाद आपके जो प्राइम नंबर है, यहाँ पर मैं कुछ प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, 2, 3, 5, 7 इत्यादि, इनसे इसको डिवाइड करेंगे। देखो, मैंने 2 का डिवाइड किया इसमें, ठीक है। डिवाइड करने में समस्या हो तो साइड में डिवाइड कर लेना चाहिए। कितना टाइम डिवाइड हो गया दोस्तों? 6 टाइम। ये इसके जस्ट नीचे लिखना है, ठीक। इसी तरीके से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 1/8 में, तो आपका कितना 9 टाइम हो गया। अगेन देखो, 6 में 2 का डिवाइड कितना? 3 टाइम। 9 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, इसको जैसा है वैसा आगे शिफ्ट कर दिया। डिवाइड होने का मतलब क्या है? कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यदि कुछ रिमाइंडर बच रहा है, जैसे हम 9 में डिवाइड करेंगे 2 का, तो आपका यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे कितना? 4 टाइम। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कंप्लीट डिवाइड होने वाला चाहिए। तो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसको आगे शिफ्ट कर दिया। अब देखो, यहाँ पे इसमें भी 2 का नहीं हो रहा है, इसमें भी 2 का नहीं हो रहा है, तो मैं आगे जाऊँगा किसके पास? 3 के पास। 3 का हो रहा है इसमें 1 टाइम, इसमें कितना? 3 टाइम। अगेन देखो, आपका 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम और ये 1। एलसीएम आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये जो फैक्टर आए हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन देखो, 2 आपका 2 टाइम और 3 भी 2 टाइम आया है, इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया? 36। तो यहाँ पे 1, 2 and 1/8 का एलसीएम क्या है? 36। देखो, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। आप चेक कर सकते हैं, 1, 2 का इसमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 18 का भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 18, 2, 36, 12, 36, ठीक है। तो इस तरह से है जो हम अपना डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। और हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, जिनको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। सुरेंद्र खिलेरी।